एक देश के हाल किस तरह बद से बदतर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वहां के लोगों को महंगाई से जूझना पड़ सकता है, या फिर इससे कुछ ज्यादा लेकिन कंगाल हो चुके श्रीलंका की तस्वीरें बयां करती हैं कि एक देश के हालात किस तरह पलट सकते हैं। इतिहास के पन्नों में सोने की नगरी कहा जाने वाला श्रीलंका आज वक्त के उस पड़ाव पर खड़ा है कि प्रधानमंत्री ने देश के दिवालिया होने की घोषणा कर दी है, राष्ट्रपति देश से भाग चुके हैं और राष्ट्रपति भवन पिकनिक स्पॉट में बदल चुका है। जरा ये तीन तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं श्रीलंकाई राष्ट्रपति भवन की, जो आजकल किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं लग रहा। श्रीलंका की आम आवाम ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है, लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, कुछ आराम से बैठकर कैरम खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मुल्क की आवाम ने खाने पीने की व्यवस्था भी की हुई है। जहाँ कभी राष्ट्रपति बैठकर पूरा देश चलाया करते थे, आज यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि अब पूरा देश राष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ है। श्रीलंका कंगाली के गर्त में जा चुका है, आवाम गुस्से में और नेता देश छोड़कर भाग चुके हैं। राष्ट्रपति आवास पर मुल्क की आवाम ने कब्जा कर लिया है, लेकिन राष्ट्रपति भवन में पिकनिक मना रहे हैं और लोग देश भगवान भरोसे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियांक त्रिपाठी। शनिवार से लेकर यहाँ तक इसी तरीके का नज़ारा है, लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, फोटोग्राफ सेशन चल रहा है इन आलिशान इमारतों में जो कि डचेस के एरा में बनाई गई थी, तब से लेकर अब तक इसी तरीके से लोग यहाँ पे आदेश। एनीवन हु कैन स्पीक इंग्लिश, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन एज अ यूथ ऑफ द कंट्री, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन मैम, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? थोड़ी शर्माहट है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का तांता लगा पड़ा है, समय बिता रहे हैं, कोई पियानो के बजा रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, जैसे तैसे समय बिताने की कोशिश है ताकि आने वाले दिनों में ये लोग यहाँ पे अब एक नई सरकार को देख सकें।